गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गुड़गांव का देसी छोरा। थैंक यू। आरुष अभी एकदम मेरे को अंदर से बुला कर लेकर आया है कि मम्मी बाहर आओ। आकर देखा तो कितनी ज़्यादा धुंध है कि दूर सामने टंकी जो लग रही है वो भी इतनी ब्लर नज़र आ रही है, और इतनी धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है। फोन में तो दिख ही नहीं रहा, फ़ोन में इतनी नहीं दिख रही पर रियल में बहुत ज़्यादा धुंध है। एकदम ये रात को शादी में गए थे तो ये सुबह 4 बजे आए हैं, रोहतक गए थे, वहाँ से भी यूँ बोल रहा है कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाई है, कि धुंध की वजह से कुछ भी रोड नहीं दिख रहा था, रोक रोक के गाड़ी चलाई है इन्होंने, इतनी धुंध हो रही है। जितनी धुंध दिखाई दे रही है ना इतनी ठंड नहीं हो रही, ये बस धुंध है। मतलब फोग या तो वैसे क्या कहते हैं ना, या तो पोल्यूशन का लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ठंड तो है ही नहीं, ठंड तो लग ही नहीं रही है ना आरुष, ठंड नहीं लग रही ना, लग रही है तो सोखा उठा तुझे लग रही होगी। चलो अभी ये स्कूल के लिए उठा है, इसका तैयारी व्यारी कर, नहीं दिख रहा पास में भी नहीं दिख रहा, बहुत वैसा हो रहा है, हमें दिख रहा है पर इसलिए नहीं दिख रहा। सुबह के बज रहे 9 और आज मैंने बनाया बेसन का चीला और चाय, मैंने आज शेक नहीं पिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो रहा था इसलिए। तो सारा काम वाम हो गया है, सारी साफ सफाई हो गई है और मैं नहा भी ली हूँ, बाहर भी दिखा देती हूँ सफाई सारी, नीचे भी ऊपर सारी सफाई हो गई है, कपड़े गंदे नहीं है, एक भी कपड़े सब धुले हुए हैं। आज वीरवार है, हम वीरवार को मशीन नहीं लगाते हैं। तो जब मैं नहा के आई तो फिर मैंने क्रीम, ये क्रीम जो है मैं ये वाली सन एक्सपर्ट की लगाती हूँ, तो मैंने ये क्रीम देखी ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ से ये काटी, यहाँ से काट के निकाली यहाँ से, क्योंकि ये ख़त्म हो रही थी, तो मैं ख़त्म होने के बाद भी नहीं छोड़ती इसका पीछा, इसको काट के फिर ये इसके अंदर जो भरी रहती है फिर इसके अंदर से यूज़ करूँगी 3-4 दिन, फिर इसको रखूँगी, फिर इसको यहाँ से काटूँगी, फिर यहाँ से निकालूंगी, फिर 3-4 दिन यहाँ से चलाऊंगी, फिर कटिंग करके इसको पूरा खोल के फिर 2 दिन वहाँ से चलाऊंगी, जब जाके मैं इस क्रीम को फेंक दी हूँ। और ऐसा नहीं है कि क्रीम है, क्रीम दिखाती हूँ मैं, देखो ये री सन एक्सपर्ट, एक ये री सन एक्सपर्ट, एक वो री पीछे सन, दो वो री सन एक्सपर्ट, पर मैं फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक ख़त्म नहीं हुई। मैं ट्यूब को पूरी काट पीट के अभी मैंने आज की निकाल ली है और अभी मेरी पूरा 1 हफ्ता और चलाऊंगी मैं इसको, ऐसे नहीं फेंकने वाली मैं इसे। तो अब मैंने ले ली है ये कैंची और ये डोलची और अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ छत पे। और यहाँ पर ममता धो के गई है गेहूँ, पहले वाले सूख गए हैं तो वो कट्टे में रख दिए उधर कुर्सी पर, ये भी धो दिए, 2 कट्टे और आए थे प्लाट पे रखे थे ये दोनों कट्टे, एक ये है और एक ये है। तो मैं क्या करने आई हूँ मैं दिखाती हूँ, डोलची का और कैंची का। तो मैं काटने आई हूँ तुलसी, नहीं तुलसी को नहीं काटना चाहिए, मेरे को ये बात पहले पता नहीं थी, तुलसी की पूजा करते हैं जिसकी तो उसको काटते नहीं हैं, तो तुलसी की जो पूजा करते हैं वो काटते नहीं, ये मुझे पहले बात पता नहीं थी, तो फिर मेरे को बताया दीदी ने कि नहीं तुलसी की जिसकी पूजा करते हैं उसको नहीं काटते हैं। तो पहले मैं तोड़ लेती थी चाय में डालने के लिए, फिर हमने चाय में डालने के लिए अलग से ये तुलसी हैगी इधर, ये वो ये वाली तुलसी डाली चाय के लिए जिसकी हम सिर्फ पानी देते हैं, और ये वाली तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं हम उनको काटते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसको काटने नहीं आई हूँ, मैं इसकी जो मंजरी होती है ना, ये इसको बोलते हैं मंजरी, ठीक है, ये मंजरी होती है ये, और ये कटनी ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तुलसी माता का ना ये कर्ज होता है, ये तुलसी माता के ऊपर कर्ज चढ़ता है, तो अगर हम इस मंजरी को काट देते हैं ना तो तुलसी माता को बहुत बहुत मतलब आराम मिलता है, बहुत शांति मिलती है उनको, अपने ऊपर से बहुत भार कम लगता है। तो ये मंजरी को आप या तो चलते पानी में भी सिला सकते हैं या फिर इसकी माला बना के कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, ठीक है, अच्छी होती है। और वैसे जिसको नहीं करना वो सिला भी सकता है पानी में, पर इसके जो है
इनसे नई तुलसी मत उगाना, अगर नई तुलसी उगाई तो आपको उसका विवाह करना पड़ जाता है। इसी वजह से बीजों से तुलसी ना उगाए, कई लोग बीज से तुलसी उगा लेते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इनको काट के इस डोलची में रखूँगी, जब भी किसी का जाना होगा बाहर तो ये सिला देंगे इसको। ठीक है, और जब ये काम ऐसा करे काटे तो संडे नहीं होना चाहिए, संडे को नहीं करना है, एकादशी का व्रत नहीं होना चाहिए और अमावस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है और नहा कर करना है, गंदे हाथों से नहीं, नहा धो के फिर करना है इसे। ये कट गई है, ये सारी मैंने काट ली। ठीक है, अब 2:30 बज रहा है और मटर के चावल बनाए हैं, ये खा रही हूँ। और ये आ गया स्कूल से, इसने ड्रेस बदल लिया। अभी खाना खा ले जा। नहीं, ये पता नहीं खाना क्यों नहीं खाता, दोपहर में, दोपहर में खाता नहीं और रात को पेट भर के खाता है। दोपहर में कम खाना चाहिए, रात दोपहर को पेट भर के खाना चाहिए, रात को कम। इसका उल्टा ये खाता ही नहीं दोपहर में रोटी। जा खा ले। ये घड़ी मेरे पास 2 साल से है और इस घड़ी के 2 साल के अंदर मुझे आज पहली बार पता लगा। दिखाती हूँ, जैसे कि टाइम है, ये एक और टाइम आ गया, ये स्टेप आ गए आज के, मैंने 4,000 स्टेप चली हूँ। और ये मुझे पहली बार पता चला कि इस घड़ी में फ़ोटो भी लग जाती है, तो आज मैंने अपनी रिंग की फ़ोटो लगाई है। मतलब मुझे 2 साल में ये पता लगा है कि 2 साल बाद के इस घड़ी में फ़ोटो लग जाती है। शाम के 6:30 बज रहे हैं, दिव्या भी इसको देकर गई है, बाबू खेल रही है इधर। सीरत ये इधर खेल रही है, अब मैं पी लूँ अपनी एयर फ्रेश। ठीक है, खाना वाना सारा हो गया, मम्मी पापा को खाना दिया ही हूँ। और ये रोटियाँ थी थोड़ी सी, इस पर फॉर्चून लगाया है क्योंकि दोपहर की रोटियाँ बच रही थी बहुत सारी, फॉर्चून लगा दिया तो खा ले रहे हैं, उसको सेक दिया। और कल के लिए साग आया है, साग बनेगा कल शाम को, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बहुत सारी रखी है। अनु चिकन ले आए थे तो वो बन गई तो इसलिए सबने उससे खाई है। किसने बनाई आलू मटर? तेल तो कभी गिर रखा, तेल तरम तर हो रहा, मेरे तो सिखाया तो चक्कर ही आ जाए। और ये बथुआ रखा है, ये थोड़ा भिगो रखा है, अभी बॉईल करेंगे। इसके बनेंगे, इसका बनेगा रायता बथुए का, इसका बनेगा बथुए के पराठे सुबह। मम्मी ने बोला बथुए का रायता और बथुए के पराठे बनेंगे कल दोपहर के लिए।